चूरू नगर परिषद में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां सभापति पायल सैनी और आयुक्त अभिलाषा सिंह के बीच चल रही खींचतान उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब आयुक्त अभिलाषा सिंह अपने तबादले पर कोर्ट से स्टे लेकर नगर परिषद पहुंचे। ऐसे में एक पद के लिए दो आयुक्त अभिलाषा सिंह और दलीप पूनिया हो गए, जिसके चलते आयुक्त के चैंबर में सभापति पायल सैनी और आयुक्त अभिलाषा सिंह के बीच जमकर नोकझोंक हुई। साथ ही कांग्रेसी पार्षदों ने नगर परिषद के दोनों गेट पर ताला जड़ धरने पर बैठ गए। सूचना पर कोतवाली और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले को शांत करवाया। ये हंगामे की वजह आप उन्हीं से पूछे जो ये सब हो रहा है। मैंने कोर्ट के आदेश की पालना में आज आयुक्त नगर परिषद चूरू का पदभार ग्रहण किया। जो एपीओ आदेश था उसको कोर्ट ने स्टे किया, उसी आदेश की पालना में आज मैंने कमिश्नर का चार्ज किया। राजस्थान सरकार के आदेशों से दिलीप जी पूनिया जो है वो चूरू नगर परिषद में कमिश्नर के पद पर तैनात थे और अपना कार्य कर रहे थे। आज सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास जो पूर्व आयुक्त थी नगर परिषद की अभिलाषा सिंह, वो अचानक से नगर परिषद में आती है। साथ में कुछ गुंडे तत्व भी थे उनके, और आके जबरन वो चेयर पर बैठ जाती है। जब मेरे द्वारा उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में कोर्ट का स्टे है। तो हमने कहा कि भी कोर्ट का स्टे है तो आप कोर्ट का स्टे हमें दिखाएं, और राजस्थान सरकार के आदेश हैं तो राजस्थान सरकार के आदेश दिखाएं। तो उन्होंने बोला कि मेरे को सरकार के आदेश की आवश्यकता नहीं है, और मैंने तो पदभार ग्रहण जो है वो एज्यूम कर लिया है अपने आप ही। और इस तरीके